वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन एक्वा बॉय बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम जा रहे हैं नंदिता एक्वेरियम। काफी टाइम हो गया है वहां पर शॉप में गए नहीं, तो आज जल्दी से वहां पर कलेक्शन देखेंगे। शॉप में जाके मशीनों देखने का एक अलग ही सुकून मिलता है, तो होपफुली आपको भी मजा आएगा। तो जल्दी से वहां पर जाना है, बट उससे पहले मैंने भी इनमें से अपने किसी को भी पेट्स को खिलाया नहीं। इगुआना को मैंने खिला दिया था ऑलरेडी, तो वो नहीं, बट बाकी फिशेज को जल्दी जल्दी फीड करते हैं और नंदिता एक्वेरियम की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले फीड कर रहे हैं हम अपने जूनियर रेड को, और जूनियर रेड को मैं दे रहा हूँ 3 पैलेट्स। ये देखिए खाते हुए यहाँ पे आराम से। तो ये हो गया हमारे जूनियर रेड जो खा लिया है, और अब चलिए जल्दी से खिलाता हूँ मैं अपने कोई फिशेस को जो बाहर हैं। तो आप लोग काफ़ी बोल रहे थे कि इसका छोटे पैलेट्स बड़े पैलेट्स में लेके आ गया हूँ उनके, और ये अब सही रहेंगे। तो अब देखिए इनको खिलाते हुए, ये देखिए बड़े पैलेट्स इनको डाल रहा हूँ, आप आगे आ जाइए। कंट्रोल कंट्रोल, ये देखिए क्या सीन होता है गाइस, ये वाला इनको खिलाते हुए। तो पूरा कोई बालकनी पॉइंट कुछ इस तरीके से दिखता है, और इन सबको चलिए अब जल्दी से अंदर चलते हैं। अब बारी है हमारी टेट्रा फिशेस की। इसमें ऐड करने हैं, जल्दी से ऐड करेंगे। देखिए अगर आज कुछ अच्छा सा दिखता है तो आज ही कर देंगे। चलिए अब चलते हैं इंडोर पॉन्ड के पास। तो आ गए हैं हम अपने पैराडाउस बोल रहा हूँ, पैराडाइज। ले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह पास। तो चलिए सबसे पहले मैं फीड कर पाऊंगी अपनी मिनी पॉन्ड फिशेस को, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी गप्पीज मोलीज और रेड शॉर्ट टेल हैं। अभी देखिए सारी आएंगी, वाह यहाँ पे ये देखिए रेड शॉर्ट टेल के बेबीज यहाँ पर भी आ गए हैं, और ये काफ़ी प्यारा लगता है। तो देखिए कितना अच्छे से खा रहे हैं सब, ये देखिए बेबी, और ये कुछ इस तरीके से ऊपर से दिखता है। चलिए अब खिलाते हैं अपने ऑस्कर पैरेट फिशेस को और टर्टल को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इगुआनास को तो सुबह खिला दिया था, तो ये रहा मेरा अल्बाइनो, आराम से सो रहा है वहाँ पर पीस, वो भी आराम से देखिए मस्त होके लेटा हुआ है। और ये रहे हमारे माशे, तो आज इनकी बारी है, इसको मैं देता हूँ। ये देखिए ऑस्कर ही खा गया, यहाँ पर डालता हूँ तो सब आएंगे अभी। ये रहा इनका खाना, ये देखिए ये हमारे लेमन ऑस्कर, एक अल्बाइनो ऑस्कर, टाइगर ऑस्कर बोरा, और ये रहे हमारे शिकलेट्स, ये और ये रहा टर्टल पैरेट्स। इन सबको डालते हैं खाने देते हैं। तो इनको अब हम सबने खिला दिए, अब चलो जल्दी से चलते हैं नंदिता एक्वेरियम। तो गाइस मैं आ चुका हूँ नंदिता एक्वेरियम से। हाय टू राघवन भाई, बड़े दिनों बाद शूट कर रहे हैं। दिन हो गए अभी सर्जरी की वजह से, भाई ने भी सपोर्ट किया, जो फिश चाहिए थी घर में आ जाते थे, बट हमने काफ़ी दिन से शॉप का टूर नहीं किया था, तो आज बेसिक फिश आई हैं, जल्दी से देते हैं। प्लस ऑल्सो इनका जो दूसरा गोडाउन है उस पर भी वर्कआउट हो रहा है, उसके भी अपडेट्स जल्दी देंगे। तो चलिए जो कलेक्शन है जल्दी से स्टार्ट करते हैं और उनके प्राइजेस डालते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या है। तो राघवन भाई ये वाली अपनी कौन सी है और इनका क्या क्या प्राइजेस है? ये वाला स्ट्रॉबेरी चिकलेट है। ओके ब्लू पिकॉक है। ओके सो ये अपना जो दिख रहा है स्ट्रॉबेरी एंड पीछे है ब्लू पिकॉक। ब्लू पिकॉक 300 है पैर, 300 पैर। और ये अच्छा ये हमारे रेड पैरेट बेबीज हैं राइट? हाँ वो 750 पैर, ये 750 का पैर है। ठीक है ये ऑस्कर है बिग साइज इसका। गाइस बहुत ही प्यारा कलर है, आई विश जब मेरे पास एक्वेरियम में होती, अभी तो पॉन्ड डाल दिया इसलिए लेके नहीं जा रहा, नहीं तो आज के आज उठा लेता मैं इसको, क्योंकि ये एक्वेरियम में बहुत प्यारा लगेगा। प्रॉब्ली राघवन भाई से मैं प्लान कर रहा हूँ कि
4 फीट या 5 फीट का एक्वेरियम लेने का, तो अगर होगा तो ले लो। तो वो अभी चल रहा है प्लानिंग में, जल्दी से देखेंगे। तो ये व्हेल टेल है, ये व्हेल टेल टाइगर ऑस्कर है ये, और काफी प्यारे। और ये अल्बाइनो है, डॉट, बड़े प्यारे हैं। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास एसके गोल्ड्स के नॉर्मल है और बेबीज हैं, तो इनका क्या प्राइस है? 75 रुपीज़। ओके, नीचे है ये बाला शार्क है, सिल्वर शार्क। इनका क्या प्राइस है? 280 रुपीज़। और ये नीचे रहे हैं ब्लैक शार्क, 40-50 है। अच्छा, ये कितने के? 40-50 रुपीज़। अल्बाइनो और सिल्वर? हाँ, सिल्वर है। अच्छा, ओके। और ये हमारी है टेट्रा, रेगुलर टेट्रा है ना? हाँ, रेगुलर टेट्रा। वो आता 25 रुपीज का पैर है ये। ओके, ये तो मोलीज ही। हाँ, इसमें टिन फॉइल छोटा है, 70। ओके, जैन गुरामी भी है, 350। अच्छा, ये वाला जैन गुरामी बेबी ना? हाँ। ओके, वो रेड टेल शार्प 150। ये 150। और ये रहे हमारे, मोली है, 25 रुपीज़ है। ये सारा मोली है, मोली है, टिन फॉइल भी है, उस छोटा अल्बिनो टिन फॉइल मिक्स है उसमें। इसका नाम, हाँ, एक्चुअली पिछली बार भी हमने देखा था इसका, कुछ नाम भूल जाते हैं। गाइस, कमेंट डाउन द नेम, आई रिमेम्बर आप लोगों ने लास्ट टाइम इसका कमेंट किया था, बट मैं फिर भूल गया हूँ, तो इसका नाम बताइएगा। ये कमोटो वाला और ओरेंडा, तो ये वाली गाइस हमारे पास एक है, डिफरेंट कलर में है, एक ये सी कलर में है और हाँ, और एक है लिटिल ऑरेंज कलर में, तो ये हमारे पास ऑलरेडी है। ये रे भाई, एरोना के बेबीज। ये कितने इंच, ये कितने इंच के होंगे? 6-7 इंच के ना। ओके, और ये हैं हमारे ज़ीब्रा, ज़ीब्रा और आई गेस कुछ कुछ गप्पी भी हैं इसमें। इनका कितना प्राइस? 10 रुपये जोड़ी, 30 रुपये जोड़ी। अच्छा, ये वाला कलर टेट्रा, ये कलर टेट्रा ये तो ऑलरेडी मेरे पास है। हाँ, इसमें से और लेके जाना है तो जल्दी प्लान करेंगे लेके जाने के लिए। 40-90 है। अच्छा, 40-90। और ये रहे गाइस ऑलवेज फेवरेट फ्लोरॉन, ये एक ये वाला है और एक ये वाला है। इनका फ्लोरॉन का क्या प्राइस है? 2000 है, थोड़ा कम कर सकते हैं। ओके, बाकी इसमें यहाँ पर देखिए प्लांट्स भी हैं, नेचुरल प्लांट्स पूरे काफ़ी प्यारे हैं इसमें और काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। देखिए, अगर भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ इसमें कुछ हम टेट्रा फेसेस डालते हैं ताकि अच्छा लगे ये, तो मैं देखता हूँ। ये रे 90, ये 90 के हैं, कोई काप्स जो आप देख सकते हैं, वो वाला कलर काफ़ी प्यारा लग रहा है। वो इम्पोर्टेड मिक्स आता है, इम्पोर्टेड मिक्स है ना। हाँ, ये कलर काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो छोड़ दो, इसको गुरामी निकाल दो। ये रे हमारे गुरामी, नॉर्मल गुरामी है, नॉर्मल 75 है पैर, 75 का पैर। ये ज़ीब्रा 10 रुपीज़ है, ये 10 रुपीज़ के ज़ीब्रा हैं, इनको धीरे धीरे ऐड करेंगे हम लोग। और यहाँ पे ये पूरे आर्टिफिशियल प्लांट्स के पूरा कलेक्शन रखी हुई है। प्लांट पूरा बोल दो 35 है। अच्छा, ये छोटे वाले पूरे 35 रुपीज़ के प्लांट्स हैं गाइस, और ये पूरे आर्टिफिशियल प्लांट्स यहाँ पे वोटर्स हैं और फिश फूड और पूरे पूरे मेडिसिन, एंड देन यू हैव मोर कुछ। तो गाइस, मैंने भैया को ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट करके बोला है, अभी निकाल रहे हैं वो टाइगर, और चलिए इसमें डालते हैं। गाइस, प्लांटेड में ये देखिए अलग ही फील आता है, ये सारे जाते हुए। ये देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं, और ये है पूरा प्लांटेड। कुछ ऐसा प्लांटेड टैंक बनाने की सोचता हूँ, बट मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, अदरवाइज़ ऐसा प्लान करते ज़रूर। तो गाइज, अब टाइम आ गया है बाय बोलने के लिए राघवन भाई को, और चेकआउट करो जितना, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर हैं आप कॉल कर सकते हैं, प्लस इनफैक्ट
मैं तो बोल रहा हूँ अब आप लोग भैया से डायरेक्ट पूछ सकते हो, भोडाउन वाला एक्वेरियम रेडी हो रहा है, ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो उसको जल्दी से करेंगे। उसमें भाई ऑलरेडी ही है, जैन गुरामी है, और हम प्लान कर रहे हैं एल्बिनो उसका, सब कुछ कुछ धीरे से ऐड करेंगे। अगली बार भैया से पूछ लो, मेरे से मैं पूछना आप लोग। तो गाइज ये था वीडियो, मैं अभी जस्ट घर वापस आ गया हूँ, और ये देखिए हाथ में है हमारे चिक्की माँ से, जो अभी थोड़े गुस्सा हैं, और जल्दी से इसके फीमेल पार्टनर लाने वाले हैं। बाकी आपने ये नीचे तो देख लिया, वो देखिए टर्टल घूम रहा है, और आपने इग्वानस देखी है, वो दोनों बैठे हुए हैं। तो अब जल्दी से और कलेक्शन में बढ़ाने वाले हैं, मैं प्लान कर रहा हूँ 4 feet या 5 feet का एक्वेरियम जो जल्दी लाऊंगा, और आई विल सेट अप बिहाइंड एंड। तो गाइज अगर आप मेरा वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं, तो मैं ऐसे एक हॉबिस्ट हूँ जो पेट वीडियोज़ और ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ मैं। अगर आपको ऐसा और भी कंटेंट देखना है तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ दबा दो, आपके लिए फ्री है, बट मेरा मोटिवेशन बना रहता है, और वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी अब अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और आसपास ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प करते रहिए। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।